नमस्कार दोस्तों, जीएसटी के अंदर एक और अपडेट यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कोर बिजनेस सिलेक्शन करके एक पॉपअप आपको दिखाई देगा, जिसमें बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कोर बिजनेस है, जो आपका मेन बिजनेस है, वो क्या है। आप एज ए मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर एज ए ट्रेडर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर एज ए सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स आप जो है बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपका मेन बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो बेसिकली जो भी आपका मेन बिजनेस है वो आपको बताना है। हो सकता है आप एक साथ मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर हो, तो आपको देखना होगा आपका कोर बिजनेस क्या है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों ही कर रहे हैं, तो ऐसे में आप एज ए मैन्युफैक्चरर पहले काम कर रहे हैं, तो आप एज ए मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपसे पूछा जाएगा कि आप एक होलसेल ट्रेडर हैं या फिर रिटेल ट्रेडर हैं, तो वो आपको बताना होगा। और सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कुछ नोट्स आपको यहां पर दिए गए हैं। आप केवल एक ही बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हैं, आइदर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर। इन केस ऑल एक्टिविटीज आर एप्लीकेबल, हो सकता है आप मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर हो, तो ऐसे में आपको कोर बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करनी होगी। हो सकता है आप मैन्युफैक्चरर साथ ही सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो आपको देखना होगा आपका मेन बिजनेस कौन सा है, कोर बिजनेस कौन सा है, क्योंकि बहुत बार आपके जो बिजनेसेस होते हैं वो मेन बिजनेस के जो है एंसिलरी बिजनेसेस होते हैं। एंसिलरी जो आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से आप सर्विस प्रोवाइडर भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताना होगा कि आपके जितने भी बिजनेसेस हैं उनमें से आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग है। अदर विल इंक्लूड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। तो ये ध्यान रखें, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को भी सर्विस के तहत कवर किया गया है जीएसटी लॉ में, तो वो जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स ऑप्शन के तहत फॉल करेगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है, ट्रेडर की डेफिनेशन क्या है, सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर आपको आई बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको जो है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर की जो है डेफिनेशन बताई गई है कि आप बेसिकली मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे, ट्रेडर कहलाएंगे या फिर सर्विस प्रोवाइडर। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। बताया गया ए मैन्युफैक्चरर इज ए रजिस्टर्ड पर्सन प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स यूजिंग टूल्स इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स एंड देन सेल्स देम टू कंज्यूमर। तो बेसिकली कहा गया कि मैन्युफैक्चरर वो कहलाएगा जो रजिस्टर्ड पर्सन है और न्यू प्रोडक्ट्स बेसिकली बनाता है, और न्यू प्रोडक्ट्स बनाता है रॉ मटेरियल से, कंपोनेंट्स यूजिंग टूल्स जो है टूल्स का यूज करते हुए, इक्विपमेंट्स का यूज करते हुए, मशीनरी का यूज करते हुए, और उनको सेल करता है किसको, कंज्यूमर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को, और टू दी अदर मैन्युफैक्चरर। तो आप कोई भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कोई भी टूल इक्विपमेंट या मशीन यूज करते हैं, और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको आप सेल करते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे। ए मैन्युफैक्चरर मे सेल सम मोर ब्रॉट आउट आइटम्स और मे प्रोवाइड सम एंसिलरी सर्विसेज विद हिज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बट ही वुड कंटिन्यू बी क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरर। तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग करते हुए वो कुछ एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो। मान लीजिए वो एक इक्विपमेंट बनाते हैं, एक मशीन जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में वो मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन एक एंसिलरी सर्विसेज मानी जाएगी। तो यहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी।
तो आप जो है एज ए मैन्युफैक्चरर अपनी बिजनेस एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर इज ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो जो भी खरीदता है और बेचता है गुड्स को वो ट्रेडर कहलाएगा। और ट्रेडर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, होलसेलर और रिटेलर्स। रिटेलर इंक्लूड्स रजिस्टर्ड पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो जनरली होलसेलर में वो व्यक्ति कवर होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करते हैं और नीचे फर्दर जो है रिटेलर्स को सेल करते हैं। और रिटेलर्स वो व्यक्ति होते हैं जो जनरली होलसेलर से जो है गुड्स परचेज करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करते हैं और कंज्यूमर को जो है गुड्स सेल करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर में बताया गया है, सर्विस प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस टू ए रेसिपिएंट ऑफ सर्विस एंड इज नाइदर ए मैन्युफैक्चरर नोर ए ट्रेडर। तो जो ना तो मैन्युफैक्चरर है ना ही ट्रेडर है वो क्या कहलाएगा, सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर आपकी बैंकिंग सर्विस, आईटी सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, एजेंट्स, इंटरमीडियरीज, जीटीएस एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली डेफिनेशन बताई गई है कि आप जो है चेक कर सकते हैं कि आप किस डेफिनेशन के तहत कवर होते हैं और अकॉर्डिंगली जो है आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे केस में जो है सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स ऑप्शन, क्योंकि हम एज ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अपना बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप अब चेक कर सकते हैं, व्यू प्रोफाइल के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो प्रोफाइल में आप देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वो है जो आपने इनिशियली रजिस्ट्रेशन करते हुए सेलेक्ट की थी, और नेचर ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी है जो अभी आपने जो है बिजनेस एक्टिविटी को सिलेक्ट किया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस जो है आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको रीजन बताना होगा कि आप इसको क्यों चेंज करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली जो है फिर से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यह देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट जो है इस ऑप्शन के जरिए क्या बेसिकली करना चाहता है। हो सकता है इसे डिपार्टमेंट चेक करे कि 1 अप्रैल से जो आपके एचएसएन कोड एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो एज ए अगर मैन्युफैक्चरर और आप ट्रेडर काम करते हैं तो ऐसे में एचएसएन कोड मेंशन करना मैंडेटरी है। हो सकता है आपके टैक्स रेट्स चेक करने के लिए जो है इस ऑप्शन को यूज किया जा सके। एज ए मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स जो है गुड्स के केसेस में अलग टैक्स रेट्स होती हैं और सर्विसेज के केस में अलग टैक्स रेट्स होती हैं। तो यह जो है आने वाला समय ही बताएगा इस ऑप्शन को कैसे यूज किया जाएगा। तो ये एक नया अपडेट था जीएसटी के अंदर। आई होप यह आपके लिए यूजफुल होगा। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा।